मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के रकबागंज गुरुद्वारा में कोविड केयर सेंटर में मदद के लिए 2 करोड़ का दान दिया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मजिंदर सिंह सिरसा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस खबर की घोषणा की। रकबागंज गुरुद्वारा में सुविधाएं आज से दी जाएंगी। इसमें 400 बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और एम्बुलेंस की सेवाएं मरीजों को निःशुल्क दी जाएंगी। काम की बात करें तो अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन में भी नजर आएंगे। 13वें सीजन की घोषणा सोनी टीवी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई थी। प्रतिभागियों को डिजिटल रूप से चुना जाएगा। बिग बी चैनल पर हर रात एक सवाल पर लोग अपना जवाब भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद एक ऑनलाइन ऑडिशन और एक इंटरव्यू होगा। यह शो सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, आशा पारेख और हेलन रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। तीनों दिग्गज अभिनेत्रियां इन दिनों अंडमान में छुट्टियां मना रही हैं। फिल्म निर्माता तनुज गर्ग ने अभिनेत्रियों के वेकेशन से जुड़ी कुछ तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पहली तस्वीर में वहीदा, आशा और हेलन एक बोट में चिल करते दिख रही हैं। आशा और हेलन बैठी हुई हैं और बीच में वहीदा खड़ी हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वहीदा रहमान बोट के स्टीयरिंग को कंट्रोल करती नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जा सकती है। तीसरी तस्वीर में आशा और वहीदा लाइफ जैकेट पहनी बैठी हुई हैं। दोनों किसी बात पर रिएक्ट कर रही हैं। यह तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं। कई सेलेब्स ने इन फोटो पर कमेंट करके प्यार उड़ेला है। साथ ही फैंस को भी जिंदगी जीने का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और जेनिलिया देशमुख ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। इस खबर को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें दोनों वैक्सीन लगवाते नजर आ रही हैं। सोनाक्षी ने इसके साथ लिखा, जेनिलिया ने भी लिखा। कई अन्य सेलेब्स जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ली है उनमें राधिका मदान, पुलकित सम्राट, अंकिता लोखंडे के नाम शामिल हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने रविवार को आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम ने उनका पोस्ट को डिलीट कर दिया है जिसमें उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। कंगना ने इंस्टाग्राम पर व्यंग्यात्मक चुटकी लेते हुए कहा कि इंस्टाग्राम एक कोविड फैन क्लब में शामिल है। अभिनेत्री ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, इंस्टाग्राम ने मेरी पोस्ट को डिलीट कर दिया है जहाँ मैंने कोविड को ध्वस्त करने की धमकी दी थी क्योंकि कुछ लोग आहत थे, मतलब के आतंकवादियों और कम्युनिस्टों के लिए सहानुभूति ट्विटर पर व्यक्त करते हैं, पर यहाँ भी एक फैन क्लब है। कंगना ने शनिवार को यह खबर साझा की थी कि उन्होंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है और खुद को आइसोलेट कर लिया है। इससे पहले भी कई विवादित ट्वीट करने के वजह से कंगना का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। कोरोना के इस भयानक दौर में सिंगर मीका सिंह अब लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उनका कहना है कि वह 1000 लोगों को मुंबई में खाना खिलाएंगे। हाल ही में मीका अंधेरी स्थित अपने घर के बाहर नजर आए। इस दौरान उनका कहना था, इनकी डिवाइन टच की जो एनजीओ है वहाँ पे दिल्ली में तो काफी टाइम से लंगर चल रहा है और कल से बॉम्बे में भी 1000 लोगों के लिए लंगर शुरू होगा। एंड जो इनका हिडन पार्ट है वो कभी बताते नहीं है। एंड म्यूज़िक और ये सब चल रहा है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बाबा जी कल को मैं भी चाहता हूँ कि आप जितने भी हमारे फैंस हैं वो भी जुड़ें। तो कल से हम 1000 लोगों के लिए यहाँ पे लंगर शुरू कर रहे हैं मुंबई में। पिछले 1 साल से दिल्ली में चल रहा है, बट बाकी है इन्जॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छा टाइम आए और ये कोविड दबा होगा दोबारा से और जो हमारे फैंस हैं हमारा शोज देखें। इसके बाद जब मीका से खतरों के खिलाड़ी के 11वें सीजन के बारे में बात की गई तो उन्होंने राहुल वैद्य का समर्थन करते हुए कहा, मैं यंगर ब्रदर हमेशा बहुत प्यार करता मुझे और कम से कम 10-12 साल से मेरे साथ है और इज अ वेरी गुड परफॉर्मर सिंगर, अभी तो छा गया है। सो माय बेस्ट विशेस टू राहुल, आई एम श्योर ही विल रॉक। खतरों के खिलाड़ी मेरे ख्याल से पहले ही इतना सुपरहिट शो है, रोहित शेट्टी उनको होस्ट करते हैं। सो आई थिंक राहुल छा जाएगा बिकॉज राहुल डरता नहीं है, वो आधा पंजाबी और आधा मराठी है। जीत के आएगा। ऑल द बेस्ट राहुल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।